अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ जो कि आप मेरे हाथ में इस टाइम देख सकते हैं। अब ये क्या है? ये एयर कंप्रेसर है। लेट्स सपोज आप अपने घर से निकले हैं कहीं दूर दराज की ट्रैवलिंग में, ठीक है, और आपकी गाड़ी का टायर जो है वो हो गया है पंक्चर, और गाड़ी की टायर की या हवा कम है, और जैसा कि आप देख सकते हैं दूर दराज तक कोई दुकान नहीं है। दूर दराज तक जब कोई भी दुकान ना हो तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए। तो क्यों ना आपके पास भी ये एक डीसी कंप्रेसर गाड़ी में अवेलेबल हो, जो कि मेरे पास है, और ये 12 वोल्टेज का है। आम तौर पे हर गाड़ी में लाइटर स्विच अवेलेबल होता है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि सिर्फ ये एक एयर कंप्रेसर ख़रीदना है जो कि कम से कम 2000 या 2500 रुपये में आम मिल सकता है। तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको आप लगाएंगे गाड़ी के लाइटर स्विच में। चले चलते हैं और इसको गाड़ी के लाइटर स्विच में लगाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ गाड़ी में और देखते हैं कि लाइटर स्विच में इसको कैसे लगाना है। ठीक है, ये है जी गाड़ी का लाइटर स्विच। हर गाड़ी में ये डिफरेंट जगह पे लगा हुआ होता है। लाइटर स्विच को इसके अंदर डाला, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये ऑन कैसे होगा। ठीक है, अब हम इसको ऑन करेंगे और ये ऑन हो चुका है। अब ये स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसका दूसरी साइड जो है लगाते हैं अपने टायर में। देखा है कि मेरी गाड़ी का टायर है पंक्चर, ठीक है। अब दूर दराज के रास्ते में ख़राब हो जाए तो हमारे पास क्यों ना ये गैजेट अवेलेबल हो और हम आसानी से इससे काम ले सकें। अब इसको हम इसके अंदर लगाएंगे और इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। हमने इसको टाइट किया, ये हो गया है इसके अंदर फिक्स, और अभी हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया ऑन। इसको अभी फिल वक्त मैंने ऑफ़ किया है क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं आ रही मेरी। तो इसको हमने जो है वो 30 PS तक हमने इसकी हवा को भरना है, ठीक है। अब ये आपको पता है आप अपनी गाड़ी में कितनी हद तक इसको जो है वो हवा को भरते हैं, ठीक है। सबको अपनी गाड़ी का हिसाब पता होता है, लेकिन मेरा यहाँ पे जो है वो 30 PS तक होगा। जब तक इसमें हवा भरी जाती है तब तक मैं क्यों ना आपको एक लीफलेट्स दिखाऊँ जो कि मेरे बैक साइड पर मौजूद हैं। चलें जी, गाड़ी के टायर में कंप्रेसर हवा कंप्लीट करता है तब तक मैं आपको इन बैक साइड वाले लीफलेट्स को दिखाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और थोड़े से कलेक्ट करके घर ले जाती हूँ। मौजूद हूँ इनके, आ गई हूँ इन लीफलेट्स के पास। आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा काट के घर ले जाया जाए। ये मेरे पास कटर भी अवेलेबल है, तो देखते हैं इसमें से कलेक्ट करते हैं काफ़ी सारे लीफलेट्स। कट 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 कट, देखते हैं कि हमारे टायर की हवा जो है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। अब ये आप मेरे टायर की पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हवा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है, ये ना हो कि मेरी तरह किसी काम को लग जाए और टायर जो है वो आपका ब्रस्ट हो जाए, ठीक है। अब इसकी हवा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे जो है ये लीफलेट्स उतार लाई हूँ, और साथ ही हम अपने इसकी यहाँ से जो लीड है उसको भी उतारेंगे। और इसको उतार के आप देख सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल से उतर रही है, लेकिन हम इसको उतारेंगे। हाय, ये तो उतर ही नहीं रही, उफ, लेकिन ये उतर चुकी है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे फोल्ड, और हमारे टायर की हवा भी है कंप्लीट। तो इस तरह का गैजेट ख़रीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। गैजेट के साथ साथ मिलेंगे आपको ये एक खूबसूरत से लीफलेट्स, और हम इसको इसके अंदर टर्न करेंगे और इसको बंद करके गाड़ी में दोबारा रख देंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसको पैक कर चुकी हूँ, ठीक है। ये दोबारा अपनी पहले वाली हालत में मौजूद है, लेकिन आपने इसको बंद करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नोज़ल में से हवा जो है वो लीकेज तो नहीं हो रही। आप उसको चेक करेंगे, ठीक है, उसको पानी लगा के उसको टैप करके चेक करेंगे कि उसकी नोज़ल तो नहीं लीकेज हो रही कि हवा दोबारा से उसकी जो है वो रिलीज़ हो जाए। चले चलते हैं, आज का अपना जो व्लॉग है यहीं पर एंड अप करते हैं। इस चीज़ को दिखाने के साथ साथ हमें ये मिले हैं फ्री में, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और नई खूबसूरत वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह।